इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। मुंबई में एनसीबी की टीम ने एक ड्रग्स पार्टी पर बड़ा एक्शन लिया है। एनसीबी ने कल रात मुंबई से गोवा जा रहे एक क्रूज शिप पर चल रही ड्रग्स पार्टी पर छापा मारा है। क्रूज पर जिन लोगों को पकड़ा गया है उन्हें मुंबई वापस लाया गया है और अब लीगल कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। क्रूज पर यह छापेमारी एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखड़े की टीम ने की है। छापेमारी के दौरान एनसीबी ने 10 लोगों को हिरासत में लिया है। खबरें हैं कि इसमें एक बड़े बॉलीवुड एक्टर का बेटा भी शामिल है और ये कोई और नहीं बल्कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान हैं। जी हाँ दोस्तों, एनसीबी के सूत्रों के अनुसार मुंबई में रेव पार्टी करते हुए मल्टीपल ड्रग्स के साथ शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया है। एनसीबी मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक आर्यन ने पूछताछ के दौरान बताया कि उन्हें वीआईपी गेस्ट के तौर पर वहां बुलाया गया था। एनसीबी सूत्रों ने बताया है कि शाहरुख के बेटे से उस क्रूज पर जाने के लिए किसी भी तरह की फीस नहीं ली गई थी। आर्यन ने ये भी बताया कि क्रूज पर उनका नाम इस्तेमाल करके बाकियों को बुलाया गया था। आर्यन खान के ड्रग्स केस में गिरफ्तारी के बाद से ही शाहरुख काफी परेशान हैं और फिलहाल वो अपने लॉयर से मिलने गए हैं। बता दें कि गोवा जा रहे शिप में हाई प्रोफाइल ड्रग्स पार्टी की खबर मिलते ही एनसीबी ने रेड डाल दी थी जिसमें भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुए हैं। बता दें कि ये क्रूज जैसे ही मुंबई से निकला और समंदर में पहुंचा तो ड्रग्स पार्टी शुरू हो गई। एनसीबी की टीम पहले से ही क्रूज पर मौजूद थी। इसके बाद छापेमारी शुरू हुई और भारी मात्रा में ड्रग्स पाए जाने के बाद क्रूज को मुंबई की ओर मोड़ दिया गया और सभी को गिरफ्तार कर लिया गया जिनमें आर्यन खान भी शामिल हैं। अब देखना यह है कि एनसीबी इस मामले में आर्यन खान पर क्या एक्शन लेती है। फिलहाल तो एनसीबी आज आर्यन को कोर्ट में पेश करेगी। ड्रग्स केस में आर्यन खान की गिरफ्तारी के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? Do let us know in the comment section। और बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें बॉलीवुड राइट्स।